वृक्षारोपण के संकल्प के अनुसार इंदौर उज्जैन रोड पर रेवती रेंज स्थित बीएसएफ परिसर में बीते दिनों वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया, जहां सांसद शंकर अलवानी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बीते दिन रेवती रेंज पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मौके पर पहाड़ी पर बीएसएफ जवानों द्वारा लगभग 11,000 पौधे रोपने के संकल्प की शुरुआत की गई, ताकि पूरी पहाड़ी हरी भरी हो सके। वृक्षारोपण में बीएसएफ के आला अधिकारी सहित सांसद शंकर अलवानी ने भी जवानों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। हम आपको बता दें कि पूरे भारत में सीमा सुरक्षा बल 5 जून पर्यावरण दिवस पर लाखों पेड़ पौधे लगाने संकल्प लिया गया था। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन यहाँ तक जब भी मैं सोचता हूँ जवानों के बीच में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे अगर फ्रंट में कोई लड़ता है तो हमारा बीएसएफ का जवान ही लड़ता है। चाहे वो 40 डिग्री माइनस के हिमालय पे हो या 40 डिग्री के तापमान के रेगिस्तान में हो, हमारा जवान ही सबसे आगे रहता है जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है। और इसमें भी धोख मत दिए, अगर कोई आपदा आती है तो उसमें भी सबसे पहले बीएसएफ को भेजा जाता है। और अगर देखा जाए तो कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फ्रंट में रहता है, सबसे आगे रहता है। तो इसलिए इस देश की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसी का आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। हमारे माननीय गृहमंत्री जी अमित शाह जी ने जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसमें सभी अमर जवानों को वृक्षारोपण के लिए, खास करके बीएसएफ को भी वृक्षारोपण के लिए आह्वान किया है। और इसी को लेकर आज यहाँ पर हमारे सभी जवान, हमारे सभी अधिकारी 11,000 पौधे लगा रहे हैं। देखिए, बीएसएफ ने आज यहाँ वृक्षारोपण का 11,000 पौधे लगा रहे हैं, और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सभी जवानों को पूरे देश में वृक्षारोपण करने के लिए आह्वान किया है। और उसी के अंतर्गत ये वृक्षारोपण का महोत्सव बीएसएफ ने आयोजित किया, उसकी आज शुरुआत है। और लगातार ये वृक्षारोपण करते रहेंगे, और मुझे लगता है जिस प्रकार ये रेवंती रेंज की जो टेकरी है, आने वाले दिनों में जो वृक्षारोपण का लक्ष्य बीएसएफ ने तय किया है, पूरा हरा भरा होगा। और निश्चित तौर पे वर्तमान समय में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें लग रही थी, हमने देखा उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं हमारे सभी बीएसएफ के डीआईजी अधिकारी और सभी जवानों का धन्यवाद देता हूँ, और ख़ास करके हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, कि जिनके नेतृत्व में वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।